हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? सब उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना, मतलब कि अपना काम का दिन, ठीक है? बाकी जहाँ मैं 3 दिन से पहले गया हुआ हूँ, ठीक है? बाकी मैं उस टाइम आपको वीडियो नहीं दिखा सका क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा फ़ोन रखा था ख़राब, तो इस चक्कर में आप लोगों को वीडियो दिखा नहीं पाया। तो वो वीडियो मैं आज दिखाऊंगा आपको, ठीक है? कि मैंने इन 3 दिनों में मैंने क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, तो वो सब देखने के लिए, ठीक है? मिलते हैं अब सीधा वहीं पे। ओके, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर से, मतलब 2 मिनट की दूरी है पैदल पैदल में, ठीक है? मतलब एक ही रोड है, सिंगल रोड पे मैंने चलना है। उसके बाद जो है एक भाई जी यहीं रहते हैं, वो भी, ठीक है? वो भी अपने हरियाणा से ही हैं, कैथल से, ठीक है? क्योड़क के पास से हैं वो भी, तो उनसे ही मिलवाऊंगा आपको, ठीक है? तो हम दोनों जाएंगे साथ में क्योंकि वो यहीं पे जो है उनके यहाँ के पेपर हैं, PR वो यहीं पे फ्रांस में, और उनके पास अपनी गाड़ी है, तो हम जाएंगे काम पे। बाकी काम पे जाने के लिए हमको लग जाता है कम से कम 1 घंटा, बाकी ज़्यादा दूर भी नहीं है, है सिर्फ वो होगा 17 किलोमीटर है पूरा, इससे ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी टाइम लग जाता है हमको, वो भी किसी कारण से, क्योंकि जिस रोड पे हम जाते हैं वो उस रोड पे जाम बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, तो इसी चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम 1.25 घंटा हमको डेली लग जाता है, नहीं 1.25, नहीं 1.25 घंटा हमको डेली लग ही रहा है जाने, एक साइड में जाने जाने में, जाने आने में कुछ भी लगा लो कि 1.25 घंटा हमको ऑलमोस्ट लग ही रहा है। तो चलो मिलते हैं हम वहीं पे, उन्होंने 7:15 बजे का टाइम दे रखा है कि उनको वहाँ पहुँचना है, बाकी 2-3 मिनट ही बचे हैं 7:15 होने में, तो मिलते हैं वहीं भाई जी के साथ, फिर आपको रास्ते में जाते हुए भी दिखाएंगे क्यों हमको इतना टाइम लगता है, क्योंकि जाम के कारण दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं हम सीधा वहीं पे बाइक के साथ ही। तो गाइज मैं फिलहाल कर रहा हूँ अपने भाई जी की वेट, जो अभी आने वाले हैं, हो चुकी है बात उनसे, वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है? तो वो आएंगे तो मिलवाएंगे उनसे भी आपको। बाकी जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ अपने बस स्टॉप से, अगले स्टॉप है डैनियल फेरी, सिर्फ पैदल पैदल पूरे 2 मिनट लगते हैं, बाकी बस का तो ये है कि आना ही है। बाकी भाई जी भी आ चुके हैं गाड़ी में, तो मिलते हैं अब। तो गाइस मैं बैठ चुका अपने भाई जी के साथ गाड़ी में, ये अपने भाई जी जो है कैथल से, क्योड़क के पास के गांव का नाम है इनका, ये भाई जी गांव का नाम सब कुछ भूल गया, हाँ जी जगदीशपुरा। जगदीशपुरा गांव का नाम है इनके, अब मुझे याद रखना पड़ेगा, कहीं टाइप करके रखना पड़ेगा, भूल जाता हूँ मैं, डेली पूछता हूँ इनसे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमको करना है काम, बाकी 3 दिन से हम लगे हुए हैं वहीं पे। हमको वैसे या तो वो सिर्फ 17 किलोमीटर ही है, लेकिन घंटा 1.5 घंटा लग जाता है हमको अप्रोक्सीमेट, वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक सौ लाल बत्तियाँ भी बहुत हैं और जाम भी बहुत रहता है उस रोड पे, तो दिखाऊंगा वो भी आपको। टी मिंट पर्सी तो कहीं, जब हमको यहां से लगे पूरे 30 मिनट, जिस हिसाब से यहाँ जाम है ऊपर लिखा हुआ है, हमको जाम वही जाना है बर्सी पे, 30 मिनट दिखा रहा है ये, मतलब आगे का जाम जूम देख के दिखा देता है यहाँ पे मीटर पे स्क्रीन पे, तो आगे भी देखते हैं क्या रहेगा, तो बने रहना वीडियो में।
तो एकदम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ठीक है, तो गाइस ये अपनी लोकेशन। ठीक है, तो ये एक रेस्टोरेंट टाइप है, यहाँ से मतलब कि खाना पीना बन के पैक होके जाता है बहुत सी जगहों पे, लाइक एयरपोर्ट लगा लो या और भी बहुत सारी जैसे कंपनियाँ वगैरह। आप ये देख ही रहे हो, प्रोटेक्शन ये मैंने की थी। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, की दीवारों पे हल्का फुल्का ये पे पेंट कर रखे हैं हमने, रेड हमारी दीवारों पे भी, ये दूर तक प्रोटेक्शन ही कर रखी है हमने नीचे तक, ताकि नीचे गंदा ना हो ज़्यादा। कि ये हमारा चेंजिंग रूम। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे चेंज, कपड़े हैं ये पड़े हैं मेरे इसमें। चलो तो मिलते हैं काम पे। तो फाइनली गाइस हम काम करके वहाँ से फ्री हो गए, पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, मतलब जहाँ से मैं सुबह वेट कर रहा था उसी लोकेशन पे। अब मैं जा रहा हूँ घर पे उसी लोकेशन से। तो आज अत्तु है, हमको सिर्फ और सिर्फ लगे हैं 1.25 घंटा। ठीक है, अभी आप 5:30 हुए हैं, वैसे हम मोस्टली 6 बजे के आसपास ही पहुँचता था मैं, हम डेली यहाँ पे। तो आज हम थोड़ा जल्दी पहुंच चुके हैं,
क्योंकि आज रश जो है बहुत कम था। ठीक है, बाकी तो वैसे तो लगते सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, रश था बट कम था जिसके कारण हम थोड़ा जल्दी पहुंच चुके हैं आज। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाकी काम जो हमने किया वो भी बताना कैसा लगा। ऐसा तो पेंटर के काम है, ठीक है, नॉर्मली बाहर आके तो ऐसे ही है भाई, ठीक है ना, इसमें क्या है, जो काम करना है तो करना है, बाहर आके तो जैसा मर्जी काम हो। तो फाइनली तो अब देखते हैं, जाएंगे कहीं, नहीं तो नहीं गए तो बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट, आप जो इतना सपोर्ट दे रहे हो मेरे को, ठीक है, मेरी मतलब कि वीडियोस परमानेंटली मुझे जो सब्सक्राइब हो रहे हैं, मेरे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर डेली, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही है, जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं या जिन्होंने पहले कर रखे हैं, आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही है जो कुछ भी है। तो थैंक यू, ऐसे करते रहना सपोर्ट आगे भी, ठीक है, जितना हो सके अपने भाई की चैनल को, वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो थैंक यू अगेन फॉर योर सपोर्ट, तो मिलते हैं कल।